1, 2, 3 तो दोस्तों हम ब्रेकफास्ट करने तो जा ही रहे थे, लेकिन उससे पहले आर्यन को अपना कपड़ा धुलवाना था और सुनील ललित को भी, तो अभी आए हैं बी ब्लॉक में कपड़े धुलवाने के लिए। लेकिन उससे पहले ये देखो, ये थॉर है, थॉर, और यहाँ पे ये रही हैमर, उसके हैमर भी बनाए हुए और थॉर भी बनाया हुआ है यहाँ पर बी ब्लॉक में। उठा के देखते, कोई नहीं, अभी वर्दी नहीं हूँ, हो जाऊँगा। चलो यार, ब्रेकफास्ट में तो पाव भाजी नहीं है, पाव और भाजी बनी है, और साथ में ना एक एक्स्ट्रा पीनट बटर है। मतलब इससे पहले पीनट बटर नहीं मिलता था, पीनट बटर भी मिलता है जैम के जगह, और आज केले के जगह सेब लिया मैंने। बाकी सब तो सेम ही है, कॉर्नफ्लेक्स ब्रेड वगैरह। चलो खाते हैं। आज तो यार सुबह से सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। मतलब आज मैंने बहुत पहले टाइम से पहले असाइनमेंट्स वगैरह भी सब कंप्लीट हो गए, और अब अच्छा लग रहा है कि बहुत टाइम खा लिया तो और भी कुछ कर सकता हूँ। अच्छा ही है, देख लो ये रहा मेरा टेबल, वो रहा देखो, अभी वो ललित और सुनील अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी पढ़ता हूँ और कुछ भी पढ़ता हूँ, अभी होमवर्क तो कंप्लीट हो ही गया यार। अब हम मैस आ गए लंच करने के लिए, मैं थोड़ा सो भी गया था, उठ के पता चला कि छोला पूड़ी बन रहा है, तो सोचा छोला पूड़ी खाने के लिए तो आना चाहिए लंच करने, भीड़ भी आ गई यार। अटेंडेंस लगवाना है, वहाँ पेज है, क्लास भी खत्म हो गई, नेक्स्ट क्लास है, और अटेंडेंस में साइन ही नहीं किया, अब भीड़ लग गई है, अब अटेंडेंस में लगाओ। आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है तो लोग क्लास में आए ही नहीं, सॉफ्ट स्किल में भी नहीं आए, फिजिक्स की भी लग रहा है कि नहीं आएंगे काफ़ी लोग, अभी भी अटेंडेंस लग रही है वहाँ पर। तो दोस्तों अब हमारी क्लास छुट्टी हो चुकी है सारी, अब हम फ्री हैं शाम की यार, लेकिन असाइनमेंट्स वगैरह इतने मेहनत से करता हूँ फिर भी डांट ही सुन लेता हूँ आखिरी में, कुछ ना कुछ सवाल मैम पूछ लेती है और फिर कुछ नहीं आता, कुछ क्योंकि छापा हुआ रहता है तो होते रहता है यहाँ पर। तो जब से आया हूँ बहुत असाइनमेंट्स वगैरह याद करो लिखो होता है, कोई नहीं, लेकिन मज़ा भी बहुत आता है। आज तो देखता हूँ कहीं जाने को मिलता है, तो आज सैटरडे नाइट है क्योंकि, चलो अभी तो हॉस्टल रूम जाते हैं यार। अभी मैं रूम पे तो आ गया हूँ, बैग रख के अब जल्दी से जाता हूँ टीवी रूम में, क्योंकि हमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच दिखाया जा रहा है टीवी रूम पे, मैं भी जा रहा हूँ देखने। ये देखो दोस्तों मैच शुरू हो गया भाई, कोहली आउट हो गया, ओ शिट, मैं आते ही देख रहा हूँ कि कोहली आउट हो चुका है। देखो सब लोग देख रहे हैं, देखो सब लोग बैठ के आराम से देख रहे हैं यार। मैं इतना एक्साइटेड होके क्लास से आया देखने के लिए, यहाँ पता चल रहा है रोहित और विराट दोनों आउट हो चुके हैं। क्या यार, चेहरा उदास हो गया है इसका भी, रोहित और विराट दोनों आउट हो गए। कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मतलब एक्सपेक्टेड था कि शायद इंडिया जीत जाएगी, बट अब मुश्किल लग रहा है, अब तो जीतना मुश्किल ही लग रहा है, लगता है पाकिस्तान ही जीतेगा, लेकिन देखते कुछ भी हो सकता है दोस्तों। सो ये देखिए, ये मत देखिए, वो देखिए कि लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, ट्रेडिशनल्स पहने हुए हैं लोगों ने, और वो लोग अब जा रहे हैं कहाँ, कॉन्वोकेशन हॉल, क्योंकि आज हमारा मिस्टर एंड मिसेस फ्रेशर्स का फिनाले है। और इधर देखिए, इधर देखिए, ओ भाई साहब तैयार हो गए, अरे इतना सुधरा हुआ लड़का कैसे लग रहा है, ये तो गौरव सिंह लग रहा है आज, ये तो गौरव सिंह लग रहा है आज के, अच्छी बात है। तो इतने तैयार होकर मिस्टर एंड मिसेस फ्रेशर्स के फिनाले में जा रहे हैं, देखिए ये भी आ गए। तो दोस्तों शाम का वक्त हो चुका है और अब हम सब जा रहे कॉन्वोकेशन हॉल, क्योंकि आज हमारा कॉन्वोकेशन हॉल में मिस्टर एंड मिसेस फ्रेशर्स का फिनाले। सो सब वेन्यू मतलब ड्रेस कोड वहाँ पे रखा था ट्रेडिशनल, लेकिन जिनके पास ट्रेडिशनल नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं है, तो हम लोग नॉर्मल अपना जो शर्ट पैंट है वो पहनकर जा रहे हैं, लेकिन कुछ लड़कों ने बहुत अच्छे से ट्रेडिशनल्स पहने, तो अभी हम सब हाईलाइट करते हैं। ये देख लीजिए हमारे गौरव भाई साहब ने आज ही गोटियां ली, गौरव लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं ट्रेडिशनल्स में, सबको दिखा रहे हैं अभी। ये देखो ये देखो ये देखो साउथ इंडियंस, ओ माय गॉड, सब ब्लॉग में आए करते, चलो सब ट्रेडिशनल्स पहन के जा रहे हैं, रोम रोम भाई। तो दोस्तों सब तैयार हो चुके हैं और अब हम एक फोटो लेंगे साथ में, तो सब खड़े हो जाए भाई, बस कर कितना मुंह धोएगा, धोने दो। दोस्तों अब हम सब जा रहे हैं कॉन्वोकेशन हॉल की तरफ मिस्टर एंड मिसेस फ्रेशर्स का फिनाले देखने। सब देखो पीछे में भी कितनी भीड़ आ रही है अपने को, अरे भाई अपने माधव भी आ गए और भी पीछे से बहुत लोग आ रहे हैं, सब आ रहे हैं और आगे भी लोग जा ही रहे हैं, चलो चलते हैं जल्दी से। तो गाइज हम कॉन्वोकेशन हॉल आ गए, सब हम अंदर जाते हैं, बस बहुत अच्छे लग रहे, लोग आ चुके हैं।
कई सीट पकड़ कर बैठते हैं। अच्छा ड्रम सेट भी वहाँ लगी हुई है। अरे कुछ ट्रेडिशनल होने वाला है। यार म्यूजिक का शो होने वाला अभी तो। सेक्शन की तरफ से ये परफॉर्मेंस तो कुछ सोसाइटी के प्रॉब्लम को ये दिखा रहे हैं बिना बोले। यार लड़की के ऊपर एसिड फेंक दिया। Yeah.
आज भाई। अरे चंगे दे भोजपुरी गाने बजा दिया इन्होंने। अरे अभी खत्म ही नहीं हो रहा है डीजे नाइट। दोस्तों सो बहुत मजा आया डीजे नाइट में। अब डीजे नाइट खत्म हो चुकी है और हमने रात का खाना भी नहीं अपना खाया। अब जाते हैं कहीं, देखते हैं कैंटीन वैंटीन में खाते हैं। तो अभी भी देख सकते हो कि अभी भी लोगों के माइंड से वो डीजे नाइट गया नहीं है। सो अब हम रूम पे जाएंगे। अब चलो इसी तरह से ब्लॉग अब खत्म करते हैं। चलो बाय बाय। बाय बोल दो ना।